अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़े हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याज, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक सब्ज़ मिर्च, इन सबको मैंने चॉप कर लिया था। एक बॉल लेंगे, इन सब चीज़ों को बॉल में शामिल कर लेंगे। वन टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनको ग्लास की मदद से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। और बाकी के भी सर्कल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सर्कल तैयार करने के बाद इनको भी साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर लेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसको भी साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर हमने जो सर्कल स्लाइस कट किए थे, इनकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग करने के लिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उससे इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद दूसरे कटे हुए स्लाइस को हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें इसको डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इन सबको वन बाय वन मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद इनको पैन से बाहर निकाल लेंगे। और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आई बटन प्रेस कर दें, इससे आने वाली आपको मेरी हर नई वीडियो मिल जाएगी। दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।